हेलो फ्रेंड्स, आज साउंडर्स के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये साउंडर से ही मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। फर्स्ट है, द नर्स हैज रिसीव द क्लाइंट असाइनमेंट्स फॉर द डे, विच क्लाइंट शुड द नर्स असेस फर्स्ट। एक नर्स को चार पांच पेशेंट मिले हुए हैं, तो उनमें से कौन सा वो पेशेंट है जिसका वो सबसे पहले असेस करेगी। ऑप्शन फर्स्ट है, द नर्स द क्लाइंट हु नीड्स टू रिसीव सबक्यूटेनियस इंसुलिन बिफोर ब्रेकफास्ट, द क्लाइंट हु हैज नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब अटैच टू इंटरमिटेंट सेक्शन, द क्लाइंट हु इज टू डेज पोस्ट ऑपरेटिव एंड इज कंप्लेनिंग ऑफ इंसीजनल पेन, एंड फोर्थ द क्लाइंट हु हैज ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ 50 mg/dL एंड कंप्लेंट्स ऑफ ब्लर विजन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन फोर, द क्लाइंट हु हैज ब्लड ग्लूकोज लेवल 50 mg एंड कंप्लेन ऑफ ब्लर विजन। ये पेशेंट का जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल 50 mg है और वो ब्लर विजन को भी कंप्लेन कर रहा है, मतलब उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो ये जो तीनों पेशेंट है उसमें से सबसे पहले नर्स को इस पेशेंट को देखना चाहिए, क्योंकि वो हाइपोग्लाइसीमिया में जाने वाला है या जा चुका है। बाकी के जो तीन हैं उनको भी नीड है, उनको भी असेस करना है, लेकिन इतना अभी ज़रूरी नहीं है, इमीडिएट नहीं है। पहले जो हाइपोग्लाइसीमिया में जो पेशेंट हैं उसको देखना चाहिए, और उसके बाद जो है वो ये तीन पेशेंट को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है, द नर्स प्रिपेयर टू केयर फॉर अ क्लाइंट ऑन कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन हु हैज अ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कॉज बाई मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस MRSA. The client has an abdominal wound that require irrigation and has tracheostomy attached to a mechanical ventilator, which require frequent suctioning. The nurse should assemble which necessary protective item before entering the client room. एक नर्स है जो कि केयर कर रही है एक पेशेंट की, और किस चीज़ का पेशेंट है? MRSA का पेशेंट है। ऐसा क्वेश्चन एक बार पहले भी आया हुआ है MRSA का, जो मैंने बताया था आपको कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन वाला है, अगर आप पिछले वीडियो में देखा हो तो। तो एक पेशेंट है MRSA का, तो और उसको ट्रैकेस्ट में भी लगी हुई है, उसको फ्रीक्वेंट सक्शनिंग भी करनी है, और एक एब्डोमिनल वुंड है तो उसको भी इरीगेट करना है। तो नर्स जो है वो क्या प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो हैं वो पहनेगी? ऑप्शन फर्स्ट है ग्लव्स एंड गाउन, सेकेंड ग्लव्स फेस शील्ड, ऑप्शन थ्री ग्लव्स गाउन्स एंड फेस शील्ड, ऑप्शन फोर्थ है ग्लव्स गाउन एंड सू प्रोटेक्टर्स। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ग्लव गाउन एंड फेस शील्ड। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो MRSA हैं वो आपका हैंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है, हैंड टू हैंड जो है ये वो फैलता है। तो हमें इसमें एक तो हैंड वॉशिंग बहुत फ्रिक्वेंटली करनी होती है, हैंड वॉशिंग हमें करनी होती है जब हम एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के पास जाते हैं। तो दूसरा, इसमें हमें वो सारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज करने चाहिए जो हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से प्रिवेंट करवा सके, जैसे कि ग्लव्स गाउन्स और फेस शील्ड। फेस शील्ड हमें इसलिए करनी है क्योंकि हम सक्शनिंग करेंगे, एब्डोमिनल इरिगेशन करेंगे, तो हो सकता है कि वो स्प्लैश हो जाए, तो उसकी वजह से हमें फेस शील्ड भी यूज करना है, क्योंकि आईज है हमारा, माउथ है, नोज है, तो अगर वो वहाँ से कुछ भी अगर इरिगेटिंग फ्लूड या फिर ट्रैकेस्टमी का सक्शन करते टाइम अगर वहाँ से कुछ ड्रॉपलेट्स जो हैं वो हमारे जो है वो इन जो ये कैविटीज़ हैं इनके थ्रू जो है वो अंदर जो है वो जा सकते हैं, तो हमें जो है वो प्रिवेंट करना है। तो ऑप्शन थ्री राइट है, ग्लव्स गाउन्स एंड फेस शील्ड। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, अ क्लाइंट विद एंड स्टेज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हैज सेलेक्टेड गाइडेड इमेजरी टू हेल्प कोप अप विद साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, विच क्लाइंट स्टेटमेंट इंडिकेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रेस रिडक्शन मेजर। एक पेशेंट है एंड स्टेज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी COPD का, और उसको स्ट्रेस से कॉप अप करने के लिए जो है वो उसको स्ट्रेस रिडक्शन मेजर्स जो है उसको बता रहे हैं। बहुत सारे मेजर्स होते हैं, तो उसमें से एक मेजर्स हैं गाइडेड इमेजरी। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्लाइंट अगर बोलेगा तो हमें जो है वो पता चल जाएगा कि पेशेंट का जो है वो मतलब उस जो प्रोसीजर जो हो रहा है या जो रिडक्शन जो टेक्निक है वो उसको समझ गया है। फर्स्ट है, दिस विल हेल्प ओनली इफ़ आई प्ले म्यूजिक एट द सेम टाइम, दिस विल वर्क फॉर मी ओनली इफ आई एम अलोन इन अ क्वाइट एरिया,
आई नीड टू डू दिस ओनली व्हेन आई लाई डाउन इन केस आई फॉल अस्लीप. और फोर्थ है, द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज दैट आई कैन यूज इट एनी वेयर एनी टाइम. तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन फोर्थ, द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज दैट आई कैन यूज इट एनी वेयर एंड एनी टाइम. सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गाइडेड इमेजरी क्या होता है. तो गाइडेड इमेजिनेशन से बना हुआ है गाइडेड इमेजरी. इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है वो अपने माइंड में एक इमेज बना लेता है और फिर उसको बार बार उसी के बारे में, हम उसको बोलते हैं कि बार बार उसी के बारे में सोचिए ताकि उसका माइंड जो है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जो है वो डाइवर्ट हो जाए. तो एक माइंड में एक इमेज बना देना फिर उसके बाद उसी के बारे में सोचना, इसे हम कहते हैं गाइडेड इमेजरी. तो ये हम कहीं भी कभी भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं. इसके लिए हमें कोई म्यूज़िक लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हमें कोई अलग से अलोन क्वाइट एरिया में जाने की ज़रूरत नहीं है, और इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैं जब सो रहा हूँ तभी मुझे ये करना है. हम कभी भी इसको कहीं भी कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लाइंट विथ पार्किंसन डिजीज डेवलप अकाइनेशिया वाइल एम्बुलेटिंग इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ फॉल. विच सजेशंस शुड द नर्स प्रोवाइड टू द क्लाइंट टू एलिवेट दिस प्रॉब्लम. एक पेशेंट है पार्किंसन डिजीज का, उसको एकाइनेशिया हुआ है, तो वो गिर ना जाए इसके लिए नर्स जो है वो क्या सजेस्ट करेगी पेशेंट को. तो फर्स्ट है, यूज़ अ व्हील चेयर टू मूव अराउंड, स्टैंड इरेक्ट एंड यूज़ अ केन टू एम्बुलेट, कीप द फीट क्लोज टुगेदर वाइल एम्बुलेटिंग एंड यूज़ अ वॉकर, और डी कॉन्शियसली थिंक अबाउट वॉकिंग ओवर इमेजनरी लाइन ऑन द फ्लोर. पार्किंसन डिजीज में एकाइनेशिया का मतलब है अब्सेंस ऑफ द मूवमेंट. पेशेंट चाह के भी अपना हाथ पैर नहीं हिला पाता है. और एक और सिम्टम होता है ब्रेडिकाइनेशिया, उसमें भी जो है वो मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाते हैं. तो यही कह रहे हैं कि अगर एकाइनेशिया हो रहा है, पेशेंट अपने से खुद से जो है वो नहीं कर पा रहा है, एफर्ट नहीं चल पा रहा है, तो नर्स जो है उसको क्या सजेस्ट करेगी ताकि उसके गिरने के चांसेस, फॉल इंजरी के चांसेस जो है वो कम हो जाए. तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन फोर्थ, कॉन्शियसली थिंक अबाउट वॉकिंग ओवर इमेजनरी लाइन ऑन द फ्लोर. हमेशा हमें पेशेंट को बोलना है कि आपको सोचना है कि इस फ्लोर पे एक लाइन बनी हुई है, हमें इमेजिन करना है, हमें कोई लाइन ड्रॉ नहीं करनी है वहाँ पे. जैसे रोड पे होती है ना साइड पे एक लाइन ऐसे सीधी सीधी जा रही होती है, तो उस वैसी एक लाइन हमें जो है वो इमेजिन करनी है फ्लोर पे, और उस लाइन पे चलने की कोशिश करनी है. क्योंकि जो पार्किंसन डिजीज वाले जो पेशेंट होते हैं वो जो है वो सीधा नहीं चल पाते हैं, उनमें प्रॉब्लम होती है उनका सीधा चलने में, वो बैलेंस अपना मेंटेन नहीं कर पाते हैं. तो हमें उनको एक इमेजनरी लाइन पे चलाना है ताकि वो जो है वो अपने मूवमेंट को जो है वो थोड़ा बहुत कंट्रोल करना सीखे. तो इसलिए उसको फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट है कि आपको एक इमेजनरी लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है फ्लोर पे और फिर उस पे चलने की जो है वो आपको कोशिश करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स मॉनिटर अ क्लाइंट रिसीविंग डिजॉक्सिन फॉर विच अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिटी. एक पेशेंट को डिजॉक्सिन ड्रग चल रही है, तो नर्स कौन से अर्ली साइन को जो है वो देखेगी डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के लिए. क्यों, क्या मतलब कि अगर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी उसको हो रही है तो वो कौन सा साइन जो है वो अर्लीस्ट जो है वो शो होगा. फर्स्ट है एनोरेक्सिया, सेकेंड फेशियल पेन, फोटोफोबिया, और फोर्थ है येलो कलर परसेप्शन. तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, एनोरेक्सिया. जब डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होती है तो सबसे पहले जो है वो आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, नोजिया, ऐसे वाले सिम्टम्स जो हैं. अगर ऐसा कोई सिम्टम अगर ऑप्शन में दे रखा होता है तो हमें वही चूज़ करना होता है. फेशियल पेन, फोटोफोबिया, येलो कलर परसेप्शन, ये सब भी होता है, लेकिन ये बाद में लेट साइन, ब्रेडिकार्डिया भी होता है. नेक्स्ट है, अ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI स्टडी इज प्रिस्क्राइब फॉर अ क्लाइंट विद अ सस्पेक्टेड ब्रेन ट्यूमर, द नर्स शुड इम्प्लीमेंट विच एक्शन टू प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर दिस टेस्ट. तो एक नर्स जो है वो एक पेशेंट को तैयार कर रही है MRI के लिए, तो कौन सा इंस्ट्रक्शन जो है वो पेशेंट को देंगे या हम उसको कैसे रेडी करेंगे उस टेस्ट के लिए, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए. ऑप्शन फर्स्ट, सेव द ग्रोइन फॉर इंसर्शन ऑफ अ फीमोरल कैथेटर. सेकेंड, रिमूव ऑल मेटल कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लाइंट. ऑप्शन थ्री, कीप द क्लाइंट NPO फॉर 6 hours बिफोर द टेस्ट. और डी, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट इन इनहेलेशन टेक्निक फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेडियो आइसोटॉप. तो इसका राइट आंसर है वो है रिमूव ऑल मेटल कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लाइंट. जितने भी मेटल के जो भी चीज़ें होती है, जैसे कि कोई कान का हो या कोई
कान में जो पहनते हैं ना लड़कियाँ, वो हो या फिर गले में कोई चेन हो, हाथ में कोई घड़ी वगैरह या कोई ब्रेसलेट वगैरह हो, तो वो सब निकालना है। क्योंकि MRI में जो है वो एक रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है वो यूज होती है, जो कि इमेज फॉर्म में फिर हमें वो ड्रॉ करके देती है सारे स्ट्रक्चर्स। तो उसकी वजह से जो है वो हमें ये मेटल वाली चीज़ें जो भी है वो रिमूव करवानी है। और उससे पहले हमें हिस्ट्री भी लेनी है कि पेशेंट को कोई जैसे कोई पेस मेकर तो नहीं लगा हुआ है, कोई ऑर्थोपेडिक रॉड्स नहीं लगी हुई हैं, तो वो हिस्ट्री भी हमें लेनी है। अगर ऐसा कुछ है तो फिर हमें MRI नहीं करवानी होती है पेशेंट की। नेक्स्ट है, अ क्लाइंट विद रीनल इनसफिशिएंसी हैज़ अ मैग्नीशियम लेवल ऑफ 3.5 MEQ। ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेबोरेटरी रिजल्ट द नर्स इंटरप्रेट विच साइन एज अ सिग्निफिकेंट। फर्स्ट है हाइपर एपनिया, ड्राउजीनेस, हाइपरटेंशन और फिजिकल हाइपर एक्टिविटी। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन 2, ड्राउजीनेस। देखिए मैग्नीशियम का जो नॉर्मल लेवल है वो 1.5 से लेकर 2.6 तक जो है वो MEQ पर लीटर होता है। तो 3.5 पे मतलब कि पेशेंट जो है वो हाइपर मैग्नीशिया की कंडीशन में, मतलब पेशेंट को हाइपर मैग्नीशिया है। तो जब भी हाइपर मैग्नीशिया होता है तो न्यूरोलॉजिकल डिप्रेशन के सिम्टम्स जो हैं वो पेशेंट में आते हैं, जैसे कि ड्राउजीनेस है, सेडेशन, लिथार्जिक होता है पेशेंट, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, मसल वीकनेस, ब्रेडिकार्डिया, और हाइपरटेंशन नहीं होता है वहाँ पे, उसको हाइपोटेंशन होता है, ठीक है। हाइपर एपनिया नहीं, मैंने बताया आपको, उसको जो है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन 2, ड्राउजीनेस। नेक्स्ट है, द नर्स शुड कंसिडर विच फैक्टर वेन प्लानिंग पेन रिलीफ। एक नर्स जो है वो कौन सा फैक्टर जो है वो कंसिडर करेगी जब वो पेन रिलीफ मेजर्स करेगी, मतलब पेन रिलीफ मेजर्स जब नर्स जो है वो करेगी तो कौन सी बात उसको ध्यान में रखनी है कि किन चीज़ों से पेन जो है वो ज़्यादा हम कंट्रोल में कर सकते हैं या अच्छे से कंट्रोल में कर सकते हैं या जिससे पेशेंट को ज़्यादा फायदा हो सकता है उस फैक्टर को, उस मेथड को अपनाने से। तो फर्स्ट है नॉट ऑल पेन इज रियल, सेकंड ओपियोइड एनाल्जेसिक्स आर हाईली एडिक्टिव, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स कैन कॉज टैकीकार्डिया और बी अराउंड द क्लॉक डोजिंग गिव्स बेटर पेन रिलीफ देन एज नीडेड डोजिंग। तो ऑप्शन 4 इज राइट, कि हम जो अराउंड द क्लॉक जो ड्रग्स देते हैं जैसे कि सुबह 8 बजे, फिर 2 बजे, फिर वापस रात को 8 बजे, या फिर सुबह 10 बजे, रात को 10 बजे, तो ये जो फिक्स टाइम पे हम देते हैं ड्रग्स, ये ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं पेन रिलीफ करने में एज़ कम्पेयर टू कि जब ज़रूरत हो तब दो, कि अब पेन हो रहा है अब दे दो। तो उससे अच्छा है कि हम अराउंड द क्लॉक जो है वो ड्रग्स दे। तो अगर ये बात नर्स जो है अपने माइंड में लेकर चले तो वो पेन रिलीफ में हेल्पफुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आप मॉर्निंग में 8 बजे दे रहे हैं, ठीक है, तो 8 से लेके उसका 2 बजे तक जो है वो ड्रग लेवल जो है वो उसका मेंटेन रहता है ब्लड में, फिर 2 बजे हम वापस देते हैं तो वापस ड्रग लेवल मेंटेन हो जाता है, फिर रात को 8 बजे देते हैं तो फिर ड्रग लेवल मेंटेन हो जाता है। तो इससे क्या है कि पेन जो है वो पेशेंट का रिलीफ हो सकता है और ये एक अच्छा मेथड है, तो हमें ये अपनाना चाहिए। ऑप्शन 4 इज राइट। 9, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ हॉस्पिटलाइज क्लाइंट विद अ डायग्नोसिस ऑफ अ हार्ट फेलियर who suddenly complain of shortness of breath and dyspnea during the activity. After assisting the client to bed and placing the client in half hyalos position, the nurse should take which immediate action? Option first, administer high flow oxygen to the client, call the consulting cardiologist to report the findings, prepare to administer an additional dose of furosemide, or D, obtain a set of vital signs and perform focused respiratory and cardiovascular assessment. तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, कि ओबटेन अ सेट ऑफ वाइटल साइन एंड परफॉर्म फोकस रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवेस्कुलर असेसमेंट। जो पेशेंट के सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं उससे हमें ऐसा लगता है कि पेशेंट जो है वो पल्मोनरी एडिमा में है, क्योंकि हार्ट फेलियर का पेशेंट है तो पल्मोनरी एडिमा पे उसके पल्मोनरी एडिमा होने के उसको चांसेस ज़्यादा है कॉम्प्लिकेशन में, क्योंकि उसको डिस्निया भी हो रहा है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि पेशेंट को हम पोजीशन करवाने के बाद जो है वो उसको ऑक्सीजन लगाते हैं और फिर उसके बाद हम उसको डायूरेटिक्स देते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा फ्लूड है हार्ट फेलियर वाले को एक्स्ट्रा फ्लूड एक्युमुलेट हो जाता है तो वो जो है वो बाहर हो जाए। लेकिन इस केस में हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना और डिस्निया होना ये हार्ट फेलियर पेशेंट के लिए कोई नई बात नहीं है, उनको ऐसे प्रॉब्लम होते रहते हैं जब वो एक्टिविटी करते हैं। तो हम डायरेक्टली ऐसे सोच ले कि अगर उसको तो पल्मोनरी एडिमा ही है, ये सही नहीं होगा क्योंकि हमारे पास अप्रोप्रिएट या फिर हम सफिशिएंट डेटा नहीं है ये कहने के लिए कि उसको पल्मोनरी एडिमा है। तो उसके लिए हम जो है वो ऑप्शन 3 पे या
फर्स्ट पे नहीं जाते हैं या हम सेकंड पे भी नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेकंड तक जाने के लिए भी पहले हमें हमारे पास पूरा जो है वो एक एविडेंस होना चाहिए कि हाँ पेशेंट जो है वो पल्मोनरी एडिमा में है। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड डिस्निया जो हैं ये नॉर्मली जो हैं वो हार्ट फेलियर पेशेंट को हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो है पहले पेशेंट को बेड पे बिठा के उसको पोजीशन करवा के पहले उसका रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर असेसमेंट पूरा करना है। उसके बाद ही हमें डिसाइड करना है कि हमें कार्डियोलॉजिस्ट को जो है वो रिपोर्ट करना है कि नहीं करना है, फ्लुरोसेमाइड डायुरेटिक्स चल रही है तो उसको हम देना है कि नहीं देना है, वो सब बात की बात। पहले हमें जो है वो एक वाइटल साइंस लेने हैं और परफॉर्म करना है पूरा रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर असेसमेंट। तो ऑप्शन 4 इज राइट। नेक्स्ट है, The nurse is teaching a client in skeletal leg traction about measures to increase bed mobility. Which item would be most helpful for this the client? एक नर्स हैं जो कि एक पेशेंट को जो है वो टीचिंग दे रही हैं और उस पेशेंट को जो है वो स्केलेटल लेग ट्रैक्शन लगा हुआ है, तो कौन सा उसको जो है वो मेजर्स हम बताएंगे जिससे उसकी जो बेड मोबिलिटी है मतलब बेड से हिलना डुलना थोड़ा बहुत मोबिलेशन उसका हो सके, मूवमेंट हो सके, तो कौन सा आइटम जो है वो हेल्पफुल रहेगा इस पेशेंट के लिए। ऑप्शन फर्स्ट टेलीविज़न, ऑप्शन सेकंड फ्रैक्चर बेड पेन, ऑप्शन 3 ओवरहेड ट्रेपीज़ और ऑप्शन 4 रीडिंग मटेरियल। टेलीविज़न और रीडिंग मटेरियल देने से उसका उसको अगर वो बोर हो रहा है तो उसके लिए वो हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन मोबिलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। टेलीविज़न तो ऐसे बैठे बैठे देखते रहो या बुक ऐसे बैठे बैठे पढ़ते रहो तो उसमें उसका मोबाइल कहाँ हुआ, वो मोबिलिटी कहाँ मिली, मूवमेंट कहाँ हुआ। लेकिन अगर ऑप्शन 3 ट्रेपीज़ बार अगर हम ट्रेपीज़ ओवरहेड ट्रेपीज़ अगर हम लगाएं तो उससे क्या होगा कि वो ट्रेपीज़ अगर आप नेट पे देखना गूगल करके आपको दिखाई देंगे बेड के ऊपर ऐसे लगी हुई होती है, दोनों हाथ से ऐसे पकड़ के वो अपना जो है वो मूवमेंट कर सकता है, अपने अपने शरीर बॉडी को जो है वो थोड़ा लिफ्ट कर सकता है, तो उसको मूवमेंट हो सकता है। तो ऑप्शन 3 इज राइट। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम और साउंडर्स के कुछ क्वेश्चन लाएंगे। थैंक यू सो मच।